मजेदार बने हैं। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। वाओ यम्मी, बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बने हैं ये हमारे। तो आप मेरी वीडियो देखिए, मैं जा रहा हूँ ये खाने के लिए। तो चलिए वीडियो देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद अली। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आलू की टिक्कियों की रेसिपी, जिन्हें हम इंग्लिश में पोटैटो पिनव्हील्स भी कहते हैं। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पोटैटो लिया हमने तकरीबन हाफ के जी, जिन्हें हमने बॉयल करके मैश कर लिया है। चाट मसाला लिया हमने 1 टीस्पून, नमक लिया हमने 1/2 टीस्पून, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स लिया हमने 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया हमने 1/2 टीस्पून, धनिया के पत्ते लिए हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून, प्याज लिया हमने कटा हुआ 3 टेबल स्पून, और एक कुरकुरे का हमने 20 वाला पैक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, हम इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करते हैं, हमने कुरकुरे को क्रम्स में बना के रख लिया था, हमने इसके क्रम्स बना लिए थे। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, इसको साइड पर रखेंगे। और अब हम इसमें पोटैटोज़ डालेंगे। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। और अब हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और अब हम इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और चलिए अब आगे रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो टिक्कियां हैं उनकी कोटिंग के लिए हम एक अंडा ले लेंगे और इसे फेंटेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे 1 चुटकी, क्योंकि हमारी रेसिपी में ऑलरेडी नमक है। और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और इसे यूं गोल करते जाएंगे, इसे हम राउंड शेप देंगे कुछ इस तरह। व्यूअर्स, आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि राउंड शेप पसंद है तो मैं इसे राउंड शेप दे रहा हूँ। इस तरह आपने ये बनानी है और इसे अंडे में अच्छे से कोट कर लेना है। और अब हम इसे कुरकुरे जो हमने क्रम्स बनाए थे उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। और अब हम इसे प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही हम थोड़ा सा और मसाला उठाएंगे और राउंड शेप बनाएंगे। और इसी तरह हम सारी टिक्कियां बनाते जाएंगे। सारी टिक्कियों को हमें इक्वल शेप में बनाना है। व्यूअर्स, हमने सारी आलू की टिक्कियों को कोट कर लिया। अब हम फ्राई, इनको शेलो फ्राई करने की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, हमें इसे फ्राई करने के लिए एक पैन लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। और अब हम एक टिक्की उठाएंगे आलू की। तो व्यूअर्स, अब हम रखेंगे इसको ऑयल में और इसे शेलो फ्राई करेंगे। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी आलू की टिक्कियां इसमें रखते जाएंगे। और व्यूअर्स, इसे लाइट गोल्डन होने तक एक साइड से पकाएंगे। व्यूअर्स, हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। व्यूअर्स, नीचे वाली साइड जो है वो पक चुकी है, अब हम इसे पलट देंगे। और
अब हम दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। तो व्यूवर्स, हमारी जो आलू की टिक्कियाँ हैं वो दूसरी साइड से भी अच्छे से बन चुकी हैं। अब हम इसे निकालेंगे। हाँ, इसी तरह हम इसे निकालते जाएंगे। और व्यूवर्स, इसी तरह हम सारी आलू की टिक्कियाँ फ्राई करते जाएंगे, शैलो फ्राई, सॉरी मैंने फ्राई बोल दिया, शैलो फ्राई करेंगे इन्हें। व्यूअर्स, आप हमारी आलू की टिक्कियों की फाइनल व्यू देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।